हर कोई पसंद करता है, पर जब उसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र या फिर कोई हत्या जुड़ जाती है तो वह और भी इंटरेस्टेड हो जाती है। आज हम आपको ऐसी ही एक और ऐतिहासिक और डरावनी जगह पर ले जाते हैं। यह कहानी है शनिवार पाड़ा की। अगर आपको यह हिस्ट्री के बारे में याद नहीं है तो हम बताते हैं कि आपने बाजीराव मस्तानी तो देखी ही होगी। उसमें बाजीराव जो मराठों का पेशवा होता है, यह शनिवार वाड़ा उसी का गढ़ है, जिसमें 13 मंजिल या फ्लोर हैं, जो 1730 में बनना शुरू हुआ था, पर 1828 में इसमें एक आग लग जाती है जो कि 7 दिनों तक चलती है। इसमें यहाँ के गार्डन, झरने सब जल के ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ इस गढ़ के दरवाजे और कुछ दीवारें बचती है। इस आग के लगने का कारण क्या था, ये तो एक रहस्य ही बन के रहा। इस आग लगने के बाद में अंग्रेजों ने मराठों का ये गढ़ छोड़ दिया था। यह गढ़ यूं तो लोगों को देखने के लिए खुला है, पर इस गढ़ में आज भी बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो कई बार किसी के मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। यह गढ़ पहले तो मराठों के पास में था, बाद में आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय की जॉन नेपोलियन से हारने के बाद ये अंग्रेजों का रहा था, जब तक कि 1828 में वह आग ना लगी थी। यह गढ़ बाजीराव प्रथम के बड़े भाई थोराले ने जब एक खरगोश को कुत्ते का पीछा करते हुए देखा तो यहाँ पर इस गढ़ को बनवाने का सोचा, और 1745 में यह बनकर खड़ा हो गया। 1760 तक इसमें हजारों लोग रहने लग गए थे। यह वो गढ़ था जिसमें रहते हुए मराठा कभी हारे ही नहीं थे। इसकी सुरक्षा के लिए बहुत से दरवाजे बने हुए हैं, जैसे मस्तानी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, जामवाल दरवाजा, पर यह मजबूत और मराठाओं की शान का प्रतीक शनिवार वाड़ा कैसे भयानक हो गया, इसके लिए आपको थोड़ा याद करना होगा। बाजीराव मस्तानी मूवी में बाजीराव और काशी बाई का जो बेटा नाना साहब होता है, बाजीराव के बाद वहाँ का पेशवा बनता है। इसी नाना साहब का छोटा भाई रघुनाथ राव होता है, और नाना साहब के 3 बेटे होते हैं, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। पानीपत की तीसरी लड़ाई में विश्वास राव की मौत हो जाती है, और उसके बाद माधव राव चौथा पेशवा बनता है, जो कि 1772 तक पेशवा रहता है। पर माधव राव की डेथ के बाद में नाना साहब के तीसरे बेटे नारायण राव पेशवा बनते हैं, जो कि उम्र में बहुत छोटे होते हैं। नारायण राव पेशवा के छोटे भाई रघुनाथ राव की सलाह पर काम करते हैं, पर कम उम्र के कारण और गुस्से होने के कारण इनमें आपस में नहीं बन पाती है। रघुनाथ राव जो कि सिंहासन के लिए लंबे समय से लड़ रहा था, उसकी सिंहासन की यह भूख जब और बढ़ गई, तब कम उम्र के नारायण राव 1772 में पेशवा बनता है। यूँ तो नारायण राव भी रघुनाथ राव को नापसंद करता था। वह सोचता था कि उसके दोनों भाइयों की मौत का कारण रघुनाथ राव है। नारायण राव एक अनएक्सपीरियंस्ड पेशवा था, वह गुस्सेल भी था, और एक दिन गणेश उत्सव की रात को नारायण राव का सिर सर से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद दिन निकलते गए, मराठा राज्य को जैसे नज़र लग गई और शनिवार वाड़ा अपने में भयानक हो गया। उसके बाद यहाँ रात में पेशवा की आवाज़ आती है, जैसे कोई मदद मांगता हो। इससे शनिवार वाड़ा में काम करने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं। इन आवाज़ों के पीछे लोगों की ये थ्योरी है कि ये आवाज़ें नारायण राव की है, और इनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नारायण राव की रघुनाथ राव से न बन पाने के कारण वह उसे नज़रबंद करवा देता है, जिससे सबसे ज़्यादा गुस्सा रघुनाथ राव की वाइफ आनंदी बाई को आता है। इन सब कारण में रघुनाथ राव जो गर्दिश से अपनी मदद मांगता है, गर्दिश मध्य भारत के भील होते हैं। गणेश उत्सव की रात को शोर शराबे में सारे गर्दिश अंदर आ जाते हैं। सुमेर सिंह गर्दी सोते हुए पेशवा नारायण राव पर अटैक करता है, पर वह भाग जाता है और चिल्लाता है काका माला बचावा, काका माला बचावा, और सुमेर सिंह गर्दिश नारायण राव का सर धड़ से अलग कर देता है। ये भी एक थ्योरी है कि रघुनाथ राव ने सिर्फ नारायण राव को पकड़ने के लिए गर्दिश से मदद मांगी थी, पर आनंदी बाई ने उसके लेटर में कुछ बदलाव कर दिया, क्योंकि रघुनाथ राव कभी अपने भतीजे की मौत को चाहता ही नहीं था। वह सिर्फ इतना चाहता था कि नारायण राव को
पकड़ा जाए, बंदी बनाया जाए। रघुनाथ राव ने गर्दिश को लिखे अपने लेटर में नारायण राव लाधरा लिखा था, जिसका मतलब है नारायण राव को पकड़ना है, पर उसकी वाइफ ने धरा की जगह मारा लिख दिया और इसका मतलब हो गया नारायण राव को मारना है। सुमेर सिंह गर्दिश ने नारायण राव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे बक्से में बंद कर दिया। उस रात के बाद, उस पेशवा की ये खतरनाक मौत के बाद, उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है, जो अपने काका से मदद मांगती है। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।